हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने अपने सब्जेक्ट रिओर्डिंग ऑफ द सेंटेंस चैप्टर में सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम अपने बचे हुए जो पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट, उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं अपने एक एग्जाम्पल से। हमारा सेंटेंस है, हिज ब्रदर इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो सब्जेक्ट हमें पता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट को, कौन या क्या क्या आंसर में जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो कौन सिंग कर रहा है सॉन्ग? हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब जहां से भी हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जहां से भी स्टार्ट हो जाए, वहीं से हमारा प्रेडिकेट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इज क्या है? हमारी वर्ब है। तो यहां से हमारा प्रेडिकेट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बी फॉर्म की वर्ब, बी मीन्स इज, आर, एम, वॉज, वर, इन सब में से या हैव फॉर्म, हैव में हैज, हैव, हैड, और डू फॉर्म, डू, डिड, डन, इन सारी फॉर्म्स में से भी जिससे भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, वहां से हमारा प्रेडिकेट पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इज क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब, और सिंगिंग हमारी मेन वर्ब। अब आपको पता है कि जिस हमारा सब्जेक्ट जो भी एक्ट करता है, चाहे वो स्लीपिंग है, सिंगिंग है, वीपिंग है, डांसिंग है, जहां पे भी एक्ट होना दिखाया जाए वो हमारी मेन वर्ब होती है। तो इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हमारा प्रेडिकेट पोर्शन हुआ। हिज ब्रदर सब्जेक्ट हुआ, इज सिंगिंग ए सॉन्ग प्रेडिकेट पोर्शन हुआ। अब प्रेडिकेट पोर्शन को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब हमारी टू टाइप्स की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जैसे अभी आपको डिफाइन किया कि इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डन, ये सब हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें इज हमारा क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। और सिंगिंग हमारा क्या हुआ? मेन वर्ब। ये हमारे वर्ब के टू टाइप्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसके बाद हम हमारे ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, माई टीचर गेव मी ए प्राइज। तो माई टीचर हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। और यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट पोर्शन स्टार्ट होता है मेन वर्ब से, इज, आर, एम, वॉज, वर, कोई भी नहीं है। और गेव, देना, मीन्स जहां पे भी एक्ट हो, तो यहाँ पे कौन सा एक्ट हुआ? देने का काम हुआ हमारा, देने का। तो ये हमारी हुई मेन वर्ब। इसके बाद मी ए प्राइज, यहां से हमारा स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट पोर्शन। और ऑब्जेक्ट मैंने टू टाइप्स के बताए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक मेथड हम पहले भी आपको डिफाइन कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कराती हूँ कि जो क्या के आंसर में आए वो तो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसको के आंसर में आए वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ही गेव मी ए प्राइज, उसने, माई टीचर गेव मी ए प्राइज, क्या दिया आपको? प्राइज। तो क्या के आंसर में हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया? मी, मुझे। तो ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट के टू टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के टू टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक और मेथड होता है कि जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव, वो तो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग होता है यानी कि सजीव, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो प्राइस क्या है? नॉन लिविंग, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और मी, लिविंग यानी कि सजीव, ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, द पोस्टमैन इज गिविंग मी ए लेटर। द पोस्टमैन सब्जेक्ट हुआ, इज गिविंग मी ए लेटर, कहां से स्टार्ट हुआ हमारा सेंटेंस? इज, इज से हमारा प्रेडिकेट पोर्शन स्टार्ट हुआ। इज हमारी क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब, और गिविंग मेन वर्ब। अब मी किसको दिया लेटर? मी, मुझे। तो
तो किसको के आंसर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग है, और क्या दिया लेटर डायरेक्ट, क्या क्या आंसर में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कैसा है हमारा नॉन लिविंग। तो आपको शायद यहां तक समझ में आ गया होगा कि प्रेडिकेट के अब तक हमारे दो पोर्शन हुए, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब टू टाइप्स की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स लिविंग और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स नॉन लिविंग। इसके बाद कई सेंटेंस हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। कई बार क्या होता है कि हमारे सेंटेंस में वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट क्या या किसको के आंसर में कुछ भी नहीं आता है, तब हमारा क्या होगा, तब होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड्स जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज ए लवर ऑफ बुक्स, क्या है किसको है इसके आंसर में नहीं आता है, तो इट मीन्स कि हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसमें ही इज ए लवर ऑफ बुक्स इज क्या हुआ हमारा वर्ब, और ए लवर ऑफ बुक्स हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के भी टू टाइप्स हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे, सब्जेक्ट को डिफाइन करे, उसके बारे में कोई विशेषता बताए, वो होगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस एग्जांपल से समझते हैं, ही की क्या विशेषता है, इसके बारे में क्या कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि वो एक लवर है, लवर ऑफ बुक्स। तो ये जो हमारा लवर है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ही इज ए लवर ऑफ बुक्स। ही की क्या विशेषता है, लवर, लवर ऑफ बुक्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द क्रो वॉज थर्स्टी, क्रो की क्या, क्रो को क्या कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि वो थर्स्टी है, प्यासा है। वॉज हमारी वर्ब हुई और थर्स्टी हुआ हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीफाई करे, ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए। एग्जांपल लेते हैं, आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन द क्लास। आई सब्जेक्ट हुआ, फाउंड मेन वर्ब हुई, और हिम क्या हुआ हमारा, किसको सोते हुए पाया, हिम को। तो हिम क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की क्या विशेषता है, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि उसे कक्षा में सोते हुए पाया गया, स्लीपिंग इन द क्लास, ये हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो वो कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के विशेषता बताई वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप कि आपको प्रेडिकेट के सब पोर्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के टू टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट के टू टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट के टू टाइप्स, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय बाय।